अपकमिंग स्मार्टफोन जो सितंबर के मंथ में आने वाले हैं और बहुत ही क्रेजी होगा ये मंथ, क्योंकि ऐसे ऐसे फोन लॉन्च होने वाले हैं जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा, क्योंकि अगस्त का महीना उतना ज्यादा सही नहीं था लेकिन ठीक है था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वैसे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला फोन जो लॉन्च होने वाला है अगस्त के मंथ में, और मैं वही फोन बताऊंगा जो भैया इंडिया और चाइना मिला के, मतलब जो चाइना में फोन लॉन्च होगा और इंडिया में भी लॉन्च होगा वही फोन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो का फाइंड एन 3 फ्लिप। ये जो फोन है डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर के साथ आने वाला है, 50-48 और 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 का सेल्फी, और यहां पर 4700 मिली एम्पियर आर की बैटरी या 4400 मिली एम्पियर आर की बैटरी और फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन आने वाला है बहुत ही जल्दी। और लुक लाइक डिजाइन में और इसका बाहर का जो डिस्प्ले है वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। तो ये भी फोन आएगा और इंडिया में भी लॉन्च होगा। ये जो है स्टार्टिंग के, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि 29-30 अगस्त तक ये लॉन्च हो जाएगा चाइना में, उसके बाद इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इस तरह ही कुछ अपडेट है, आप लेना चाहेंगे कमेंट में जरूर। बात करते हैं दूसरा फोन और इंडिया में भी आने वाला है और लॉन्च होने वाला है iQOO Z7 Pro। इंडिया में लॉन्च होने वाला सितंबर के मंथ में, मतलब 1 सितंबर को लॉन्च होगा ऐसा उसका अपडेट निकल के आया है, और उसको प्री बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, वो अलग मैटर है। वहां पर भी आपको मिलेगा डायमेंसिटी 7200 वाला प्रोसेसर, कर्व डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ, और जो कैमरा है 64+2 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 5000 मिली एम्पियर आर की बैटरी और 66 या 67 वाट का फास्ट चार्जिंग उसमें मिलेगा iQOO का Z7 Pro में। लेकिन iQOO का Z8 और Z8X ये दो फोन आने वाला है, जिसमें से iQOO का Z8, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फोन होने वाला है डायमेंसिटी 8200 वाला प्रोसेसर, और जो Z8X होगा उसमें देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 वाला प्रोसेसर। बात करते हैं इसके कैमरे की, तो यहाँ पर 64+2 का रियर कैमरा OIS के साथ, 16 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी और 44 वाट का फास्ट चार्जिंग Z8X में देखने को मिलने वाला आपको 50+2 का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी और वही 45 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग। अब देखिए ये फोन इंडिया में कब तक आएगा, जैसे ही आएगा आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद लॉन्च होने वाला है चाइना में Xiaomi की तरफ से Xiaomi का 13T Pro। ये जो फोन आने वाला है डायमेंसिटी 9200 प्लस वाला प्रोसेसर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 50-48 और 12 का रियर कैमरा, या फिर 50-48-50 का रियर कैमरा, 20 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग, OLED पैनल के साथ ये आने वाला है। और इंडिया में भी इसकी लीक्स है कि ये फोन आएगा, बस यहाँ पर Xiaomi के ब्रांड में नहीं Redmi के ब्रांड में इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आपको क्या लगता है, K50i के जगह K60i हो सकता है ये इंडिया में, कमेंट में सर। वही बात करते हैं उसके बाद लॉन्च होने वाला है दो फोन एक ही ब्रांड का, मोटो का G84 और G54। G54 जो है ऐसा बताया जा रहा है चाइना में लॉन्च होगा, लेकिन G84 जो है इंडिया में लॉन्च होगा। डायमेंसिटी 7200 वाला प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, 64+2 का OIS सेंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, 16 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, कट डिस्प्ले और मोटरोला H40 जैसा फोन है, बस वैसे ही फोन होगा, इस तरह ही कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं दूसरा जो फोन 54 है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर, 50+2 का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग होगा, जो चाइना में लॉन्च होगा और 1 सितंबर को ये लॉन्च होने वाला है। आपको जो भी लगता है लेना चाहेंगे G84 वगैरह कमेंट में। वही बात करते हैं अब हॉनर की, हॉनर का 90। ये जो फोन है लॉन्च होने वाला सितंबर के मंथ में इंडिया में, इस तरह ही कुछ अपडेट है। 7th Gen 1 वाला प्रोसेसर, 200+12+2 का रियर कैमरा, 20 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग, कर्व डिस्प्ले के साथ ये आएगा और 35,000 इसकी प्राइस बताई जा रही है। इस लेवल का ये होगा, अगर हो गया तो मजा आ जाएगा, आपको जो भी लगता है जरूर करते हैं। नेक्स्ट सीरीज जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा रूमर्स भी बनाते हैं और आते ही तहलका मचा सकता है, आईफोन का 15 सीरीज, और ये 50 वाला है जो बहुत ही अमेजिंग बात है। आप लेना चाहेंगे इनमें से कौन सा कमेंट में जरूर। बात करते हैं आप इन्फिनिक्स की, दो फोन आने वाला है, पहला है 030, दूसरा है नोट 30। दोनों ही बहुत ही जबरदस्त रहेगा, लेकिन कैमरे में जो है नोट 30 बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं 030 की, डायमेंसिटी 8020 का प्रोसेसर, 144 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कैमरा है 64+2 का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, या फिर 108 का आईसोसेल HM6 वाला सेंसर देखने को मिलेगा, 32 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग। वहीं नोट सीरीज में भी सेम चीज देखने को मिलेगा, बस वहां पर प्रोसेसर डायमेंसिटी 7200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा नोट सीरीज में। वहां पर जो कैमरा है सेम कैमरा देखने को मिलेगा और सेम बैटरी पैक और डिस्प्ले वगैरह सब कुछ होगा, बस प्रोसेसर जो है वहां पर चेंज होगा, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। लेना चाहेंगे आप, वेट कर रहे इस फोन के लिए जो सितंबर में लॉन्च होगा। उसके बाद लॉन्च होने वाला है सैमसंग की तरफ से एक जबरदस्त फोन, सैमसंग गैलेक्सी S23 FE। ये जो फोन है ऐसा बताया जा रहा है Exynos 2200 या
फिर 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर। अब देखिए दोनों में से कौन सा आएगा, लेकिन इसमें जो कैमरा देखने को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त, 50, 12 और 10 का रियर कैमरा, 10 का सेल्फी कैमरा, और ये 10 खाली मत देखिए, 10 बहाने करके ले गए दिल, ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग और भी बहुत सारी चीज़, और नेक्स्ट लेवल का इसका कैमरा होगा जब आएगा तो आपको सारी। उसके बाद लॉन्च होने वाला है पिक्सल के तरफ से पिक्सल 8 सीरीज। अब 8 में 8 और 8 प्रो दो होगा, कैमरा मॉड्यूल आप देख लीजिए, टेंजर 3 चिप के साथ इस बार आने वाला है, और हीट कुछ ज़्यादा होगा लेकिन लुक लाइक में बहुत ही ज़बरदस्त होगा, और कैमरा में खास ये लोग काम करने वाले हैं, और पेरिस्कोपिक सेंसर प्रो सीरीज में देखने को मिलेगा, इस तरह के कुछ अपडेट है। लेना चाहेंगे, वेट कर रहे हैं इस फ़ोन के लिए कमेंट में। बात करते हैं वीवो की, वीवो की तरफ से एक फ़ोन आने वाला है जिसकी लीक्स बहुत ज़्यादा आ रही है, वीवो का X100 या V100। ये जो फ़ोन बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, बस इसके टीजर आई है और बैक लुक देख सकते हैं, लेकिन 8th Gen 2 के साथ ये देखने को मिलेगा, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। बात करते हैं अब ओप्पो की, ओप्पो का A38 स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के साथ पता नहीं क्यों आ रहा है लेकिन आ रहा है, इस तरह के कुछ अपडेट है, बस इसके बारे में इतनी बात किया जाए कि ये हिलियो का G85 या स्नैपड्रैगन 680 के साथ आ सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। 50+2 का रियर कैमरा, 8 MP का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग, और 120Hz का डिस्प्ले जो IPS पैनल होगा, इस तरह ही कुछ अपडेट है। लेना चाहेंगे आप तो यही था अपकमिंग स्मार्टफोन जो सितंबर के मंथ 2023 में आने वाले हैं, आपको इसमें से कौन सा बेस्ट लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछे, और कोई फोन के लिए रुके हैं तो जरूर बताइए, और बोलेंगे कि रेडमी नोट 13 सीरीज क्या हुआ, तो वो अक्टूबर में लॉन्च होगा, सितंबर में नहीं। चलिए जो भी लगता है आपको कमेंट में जरूर बताइए कब लॉन्च होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।